So Simple Tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple Tutorial. बच्चों, पिछले क्लास में आपने समझा what is parliament, what is the need of parliament and what parliament does. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है the two houses of parliament. बच्चों, parliaments can be unicameral और bicameral. यूनि का मतलब वन होता है, बाई का मतलब टू होता है और लैटिन में कैमरा का मतलब चैम्बर. तो यूनि कैमरल का मतलब क्या हुआ? ए पार्लियामेंट हैविंग ए सिंगल चैम्बर और हाउस. बाई कैमरल का मतलब क्या हुआ? ए पार्लियामेंट हैविंग टू चैम्बर्स और हाउसेस. यूनि कैमरल पार्लियामेंट प्रायः छोटे देशों के लिए सुटेबल होता है, जैसे आप नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड वगैरह देख लीजिए. वहीं बाइकैमरल बड़े देशों के लिए सुटेबल होता है, जैसे इंडिया, अमेरिका इत्यादि. इनमें नॉर्मली एक हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और दूसरा हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है. तो बच्चों, हमारा पार्लियामेंट कैसा है? बाइकैमरल. एक हाउस को लोकसभा या इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है. दूसरे हाउस को राज्यसभा, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस कहा जाता है. बच्चों, सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं. द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा. कोई आपसे पूछे तो बस लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं कहना है, सबसे पहले प्रेसिडेंट कहना है, फिर लोकसभा और राज्यसभा कहना है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. वे न तो राज्यसभा के मेंबर हैं न लोकसभा के, और इसीलिए वे न तो पार्लियामेंट में बैठते हैं और न ही पार्लियामेंट के डिस्कशंस में भाग लेते हैं. फिर भी ही इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्यों? क्योंकि वे पार्लियामेंट के वर्किंग में बहुत सी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, खासकर लॉ मेकिंग प्रोसेस में. ये बात हम लोग बाद में करेंगे कि कैसे, ठीक है. हमारे लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए दिस हाउस एक्सरसाइजेस रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. जनता की ओर से असल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं. दूसरी तरफ राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और कुछ खास तरह के काम करते हैं. राज्यसभा दरअसल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वे विभिन्न राज्यों या क्षेत्र के हितों की देखभाल करते हैं. नाम ही राज्यसभा है. सो दिस हाउस लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट्स ऑफ स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स. चलिए अब हम लोग दोनों हाउसेस के कंपोजिशंस के मेन डिफरेंसेस को जान लेते हैं. इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, इससे समझने और याद रखने में आसानी होती है. आप भी अपने नोटबुक में एक ऐसा टेबल बना लीजिए. सबसे पहले देखते हैं इनके कुल कितने मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545. 525 आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज. आप सबको पता है कि हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुना जाता है. तो लोकसभा में चुनकर कितने लोग पहुंचे? 543. इनमें यदि राष्ट्रपति महोदय को लगता था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है तो वे उस कम्युनिटी से दो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे. तो इस तरह हो गया टोटल 543 प्लस 2 इक्वल टू 545. मैंने था जोर से क्यों कहा था इसको स्पष्ट कर दूं कि अभी हाल में 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इस अमेंडमेंट में हम लोग जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर के नॉमिनेशन की बात कर रहे थे, इस प्रोविजन को आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसे रोक दिया गया है. मतलब अब आगे से ऐसा नहीं होगा. आइए राज्यसभा देखते हैं. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250. राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं.
पर वर्तमान में यह नंबर 245 है, जिसमें प्रेसिडेंट द्वारा 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। किस स्टेट से कितने मेंबर होंगे उस स्टेट के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। इस समय यूपी सबसे ज्यादा 31 मेंबर्स राज्यसभा भेजता है। बच्चों, यह आप पता कर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि झारखंड से कितने मेंबर्स राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इनको चुनता कौन है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड। हम लोगों ने अभी अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में पढ़ा कि लोकसभा इलेक्शंस में लोग सीधे अपने एमपी को चुनते हैं, यही लोग जाकर लोकसभा में बैठते हैं। पर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हाउ? दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। किसी भी स्टेट के लोग अपने विधानसभा के लिए मेंबर्स चुनते हैं ना, यही इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के लिए मेंबर्स को चुनते हैं। समझ गए कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा इज 5 years, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। लोकसभा के मेंबर्स को 5 साल के लिए चुना जाता है, पर लोकसभा को 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता है। द राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट डिसॉल्व्ड, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। एवरी मेंबर एंजॉय ए टर्म ऑफ 6 years। राज्यसभा के मेंबर्स को 6 years के लिए चुना जाता है। बच्चों, राज्यसभा के सभी मेंबर्स अपना टेन्योर एक साथ पूरा नहीं करते। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर कर जाते हैं और फिर इन 1/3 सीट्स को भरने के लिए इलेक्शन होते हैं, फिर ये साइकिल चलता रहता है। ध्यान रखें कि जिस स्टेट के मेंबर्स रिटायर होते हैं फिर उसी स्टेट से जगह भरी जाती है, तो इस तरह से राज्यसभा पूरी तरह भंग कभी नहीं होती, इसीलिए राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी। तो बच्चों, आज की पढ़ाई हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे विच हाउस इज मोर पावरफुल। तब तक कीप रीडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।